हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, ये कहानी एक 27 साल के लड़के पर आधारित है जो टपाटप के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि उसका पप्पू खड़ा ही नहीं होता था। और फिर उसके पप्पू को खड़ा करने के लिए वो और उसके दोस्त क्या क्या पापड़ बेलते हैं, और जब उसका पप्पू खड़ा हो जाता है तो वो कितनी लड़कियों के कहने छहने बनाता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम 27 साल के पीटर को देखते हैं, जो पेशे से एक टपाटप थेरेपिस्ट था और उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी टपाटप नहीं किया था। पीटर अपने एक क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसके अंदर तो टपाटप करने का भूत चढ़ा हुआ था, और वो पीटर से बोलती है कि तुम मेरे कहने छाने बना दो। पीटर को इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने क्लाइंट को अपनी ही लिखी हुई एक बुक देता है जिस किताब का नाम था टपाटप रोगों से कैसे बचे। अगले सीन में हम पीटर को अपने दो दोस्तों के साथ अपने घर में बात करते हुए देखते हैं, और वो बोल रहे थे कि आज रात हम मिसेल के घर जा रहे हैं। मिसेल पेशे से एक शेफ थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चार्ली था। चार्ली एक बिजी आदमी था और उसे अपने काम के अलावा किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। पीटर मिसेल से बोलता है कि तुम्हें एक अपना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। पीटर के पेरेंट्स उससे बहुत दुखी थे क्योंकि वो और लड़कों की तरह नहीं था, वो लड़कियों के साथ टपाटप करने में बिल्कुल खिलाफ था और उसे लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। पीटर के डैड उसे बोलते हैं कि बेटा मुझे देखो और मेरे टकले को देखो, मैंने अपने टाइम में बहुत लड़कियों की कहनी छानी बनाई है और मैंने तुम्हारी माँ की भी बहुत बजाई है, और मैंने तुम्हारी माँ की इतनी बजाई है कि आज मुझे लोग जॉनी सिंस कहते हैं। अगले दिन पीटर का बॉस पीटर से बोलता है कि तुमने जो गप्पा गप के खिलाफ किताब लिखी थी वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, जिससे तुम्हारी किताब के साथ हम और हमारे क्लाइंट भी फेमस हो जाएंगे। यह सुनने के बाद पीटर वहाँ से निकल जाता है और यह खुशखबरी वो मिसेल को सुनाने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिसेल और चार्ली का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि चार्ली अपनी जॉब की वजह से मिसेल को टाइम नहीं दे पा रहा था। मिसेल रो रही थी और वो पीटर को अपनी सारी बातें बताती है, जिसमें पीटर उसे बोलता है कि तुम्हें उससे भी अच्छा कोई लड़का मिल जाएगा। मिसेल ये देख करके मौके पे चौका मारने की कोशिश करती है और वो पीटर को किस करने लगती है, लेकिन अपने पीटर का पप्पू तो घोड़े बेच करके सो रहा था, जिसकी वजह से पीटर ऑकवर्ड फील करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके सर में दर्द होने लगता है। अगले दिन पीटर को रिच और ल्यूक अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए ले जाते हैं, पर वहाँ पीटर के सामने वाला खिलाड़ी पीटर के अखरोट पर बॉल मार देता है, जिससे पीटर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर के दोस्त उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, जहाँ पीटर को फिर से सिर में दर्द होने लगती है, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर पीटर से बोलते हैं कि भाई तेरे पास अखरोट थोड़ी है, तेरे पास तो हिंगोली है, जिस वजह से तेरा पप्पू बेहोश पड़ा रहता है और तेरे अखरोट में ट्यूमर भी है, जिस वजह से 27 साल की उम्र में भी तेरा स्पाइडरमैन जाल नहीं फेंकता है, और जो तुमने टपाटप के खिलाफ किताब लिखी है वो इस ट्यूमर की ही देन है। जिसके बाद डॉक्टर पीटर से बोलता है कि हम ऑपरेशन करके तुम्हारे ट्यूमर को बाहर निकाल देंगे, जिसके बाद तुम्हारा पप्पू नाचने लगेगा, और ये सुनने के बाद पीटर भी मान जाता है। इसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग उसको बधाई देते हैं क्योंकि वो आज सच में मर्द बन चुका था। उसके बाद पीटर बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी उसका पप्पू नींद से नहीं जागता है। इसके बाद उसके कुछ दोस्त उसके लिए एक कॉल गर्ल को बुलाते हैं, जो उसके सामने कपड़े उतार करके डांस करने लगती है, लेकिन उसके बाद भी पीटर का पप्पू नहीं उठता है। उस कॉल गर्ल को देख करके पीटर के दोनों दोस्त गेट के बाहर ही अपना काम करने लगते हैं। अगले दिन जब पीटर सुबह उठ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है तो उसका पप्पू अपने आप ही खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसके पेरेंट्स को और भी ज़्यादा खुशी होती है। इससे पीटर काफ़ी शर्मा जाता है और वो वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी सीन कट होता है और हम पीटर को अपने ही घर आते हुए देखते हैं, और वो अपने घर में ल्यूक को किसी दूसरी लड़की के साथ टपाटप करते हुए पकड़ लेता है। उस लड़की को देख करके पीटर का भी स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है, और पीटर अपने स्पाइडरमैन को शांत करने के लिए बाथरूम में जा करके उसे हिलाने लगता है। उसके कुछ दिन बाद पीटर मिसेल के पास जाता है, जहां मिसेल उसे बताती है कि वो एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है, और उस कंपटीशन के जीतने के बाद उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा, और ये मिसेल के करियर का फर्स्ट सक्सेस होगा।
ये सुनकर के पीटर का मुंह सूख जाता है क्योंकि अभी अभी वो जॉनसन बनने की जर्नी में निकला था। इसके बाद पीटर फिर से क्लाइंट का इंटरव्यू ले रहा होता है, लेकिन वहाँ भी वो खुद को नहीं रोक पाता है, जिससे तंग होने के बाद पीटर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर पीटर से बोलते हैं कि तुमने अभी तक किसी के साथ टपाटप नहीं किया है, ये सब उसी का नतीजा है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी आवाज़ बदल जाएगी और तुम्हारा मन टपाटप करने का दूसरों के मुकाबले ज़्यादा होगा। इसके बाद पीटर मिसेल से बात करता है और उसके कंपटीशन के बारे में पूछता है, लेकिन मिसेल किसी दूसरे ही बंदे के साथ गीत गा रही होती है, जिससे देखने के बाद पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन पीटर रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन वहाँ पर भी वो कंफर्टेबल नहीं होता है और आखिर में वो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देता है, जहाँ उसके डैड उसे फिर से सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, तुझे भी कोई ना कोई मियाँ खलीफा मिल ही जाएगी। लेकिन पीटर इस बात से गुस्सा हो करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे मियाँ खलीफा नहीं बल्कि सनी लियोन चाहिए थी। लेकिन अंदर ही अंदर पीटर के डैड बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 15 साल के बाद आखिर मेरा बेटा किसी का ढोल बजाएगा। दूसरी तरफ पीटर फिर से मिसेल को वीडियो कॉल करता है, लेकिन मिसेल फिर से किसी दूसरे बंदे के साथ गीत गा रही होती है, जिस पर पीटर उससे गुस्सा होकर के फ़ोन कट कर देता है। अगले दिन पीटर को पता चलता है कि रिच की एनिवर्सरी आ रही है और रिच अपनी वाइफ की अच्छे से कहने छाने बनाने वाला था। तभी रिच पीटर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे बच्चों को संभाल लेना, जिस पर पीटर भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन पीटर का पड़ोसी बोलता है कि तुम टिंडर पे अकाउंट बना लो, जिसमें पीटर भी उसकी बात मान लेता है और उसके बाद वो एक के बाद एक लड़की को घोड़ी बनाता है। इसके बाद एक दिन पीटर मिसेल से मिलने के लिए जाता है, जहाँ चार्ली बाहर गेट पर पहले से ही खड़ा था, जिसे देख करके पीटर के शैतानी दिमाग में तूफ़ानी आइडिया आता है और वो चार्ली से फूल ले जा करके मिसेल को दे देता है और मिसेल से बोलता है कि ये फूल मैंने तुम्हारे लिए लाया है, जिसे देख करके मिसेल काफ़ी खुश होती है और तभी पीटर उसे डेट पर जाने के लिए भी पूछ लेता है, जिसके बाद मिसेल को भी खुजली होने लगती है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और पीटर भी पूरे जोश में तैयार हो जाता है। तभी उसे रिच का कॉल आता है और वो पीटर से बोलता है कि भाई आज आप मेरे बच्चों को संभाल ले, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी है। ये सुनकर के पीटर फ़ोन कट कर देता है और पीटर मिसेल को 5-स्टार होटल में लेकर के जाता है, लेकिन तभी वहाँ पीटर के पास रिच आता है। वो पीटर से बोलता है कि एंड मौके पर ल्यूक आ गया था, वो उसके बच्चों को संभाल लेगा। दरअसल पीटर जिस टेबल पर बैठा था उसे रिच ने अपने लिए ही बुक किया था, लेकिन पीटर को लगता है कि रिच अपने घर पर अपने बच्चों को संभाल रहा होगा, इसलिए वो मिसेल को लेकर के अपने साथ वहीं आ गया था, लेकिन एंड वक्त पर ल्यूक ने आकर के उसके वक्त बदल दिए थे। तब मिसेल पीटर से बोलती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि उस दिन चार्ली फूल लेकर के आया था, क्योंकि उसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने बड़े ठरकी हो, क्योंकि मैं सच में तेरे से प्यार करने लगी थी, लेकिन तू वही नाले का कीड़ा है। अगले दिन पीटर अपने क्लाइंट से मिलता है और इस क्लाइंट को भी सेम दिक्कत थी जो कुछ समय पहले पीटर को थी। तभी पीटर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने क्लाइंट के मुँह में अपना पप्पू देने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बॉस आ जाती है और वो पीटर को जॉब से निकाल देती है। इसके बाद पीटर फिर से अपने डैड के पास जाता है और वो अपने डैड से बोलता है कि डैड कल मेरा इंटरव्यू है और मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँ, जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है ये तुम्हें समझो। पीटर इंटरव्यू में जाकर के बोलता है कि टपाटप इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है और सभी लोगों को ये करना चाहिए। मुझे इससे पहले एक बीमारी थी जिसकी वजह से मैं वैसा था और मेरी लिखी हुई किताब भी बेकार है, जो असल दुनिया से बिल्कुल अलग है। और ये सब बोल करके वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में बैठे लोग ये सुन करके तालियां बजाने लगते हैं। और इसके बाद पीटर रिच के पास जा करके उससे माफ़ी मांगता है, जहाँ रिच की वाइफ पीटर से बोलती है कि सुअर को कितना भी सजा लो वो मोर नहीं बन सकता। इसके बाद वो दोनों पीटर से कहते हैं कि तुम जा करके मिसेल को सब कुछ सच्चाई बता दो। पीटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वो मिसेल के पास जाता है और मिसेल को जा करके सब कुछ बता देता है, जहाँ चार्ली भी अपनी दाल गलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीटर की बात सुन करके मिसेल की आंखें नम हो जाती है, जिस पर मिसेल पीटर को बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा जंगली सुअर आएगा, और तभी वो पीटर को किस करने लगती है और चार्ली ये देख करके पतली गली पकड़ लेता है। अगले दिन पीटर कुछ ठरके बच्चों को भी अपनी किताबें दे रहा था और उसके बगल में मिशेल थी। पिस्टल पीटर ने लॉक करके रखी थी और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।